हाय फ्रेंड्स, 26 फरवरी को ज्ञान की जयंती आ रही है, पर वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फागुन माह के कृष्ण पक्ष की नवमी को ज्ञान की जयंती मनाई जाती है। शास्त्रों के अनुसार पुष्य नक्षत्र में महाराजा जनक संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ की भूमि तैयार करने के लिए हल से जब भूमि जोत रहे थे, तब एक बालिका उनके सामने प्रकट हुई जो कि माता जानकी थी। हल और यज्ञ की भूमि को सीता के तौर पर जाना जाता है, इसलिए माता जानकी को सीता भी कहा जाता है। माता जानकी की शादी श्री राम से हुई जो कि श्री विष्णु का अवतार थे, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जानकी माता भी लक्ष्मी जी का अवतार है। माता जानकी की व्रत और जयंती धूमधाम से मनानी चाहिए। माता जानकी का व्रत करने से लक्ष्मी की आपके सदा कृपा बरसती रहती है। इसके पीछे ऐसी कथा है कि मारवाड़ में देवदत्त नामक ब्राह्मण रहता था, उसकी पत्नी शोभना थी। ब्राह्मण गांव-गांव भिक्षा मांगने के लिए घूमता रहता था, पर उसकी पत्नी बुरे कर्म करती थी, पूरे गांव में उसकी निंदा होती थी, इसलिए गुस्सा करके उसने पूरा गांव जला दिया, वो मर गए। उसके बाद अगले जन्म में उसको चंडाल के घर शादी हुई। चंडाल मर गया इसलिए वो खुद चंडालिनी बनी। उसको कुष्ठ रोग हो गया, वो दर दर की ठोकरें खाने लगी। एक बार कृष्ण पक्ष की नवमी को वो सबसे भिक्षा मांगती थी। एक आदमी ने उसे कहा कि आज अगर मैं आपको भिक्षा दूंगा तो मैं भी पाप का भागीदार बनूंगा, तो भी उसने उसे पानी और तुलसी पत्र दिए। वो रात को मर गई, पर कृष्ण पक्ष की नवमी का व्रत उससे हो गया है। व्रत की वजह से उसको अपने कर्मों से मुक्ति मिल गई, उसको स्वर्ग मिला। अगले जन्म में वो राजा जयसी की पत्नी कला हुई, जिस बहुत सारे राम और सीता के मंदिर बनवाए। तो ऐसी है जानकी जयंती। जानकी जयंती को व्रत रखने से आपके सब पाप दुख को दूर हो जाते हैं। जानकी माता का व्रत करने से आप पर लक्ष्मी सदा बरसात होती रहती है। हैप्पी जानकी जयंती। सब्सक्राइब करना।